तो फ्रेंड्स, ये 1.5 स्पून मसूर की दाल है और इसको मैं पहले वॉश कर लेती हूँ, वॉश करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने धो ली है मसूर की दाल। अब इसमें मैं ये देखिए फ्रेंड्स, 1 चम्मच दूध डाल रही हूँ और देखती हूँ कि ये थोड़ा सा और डाल देती हूँ, 1.5 चम्मच, और इसको इसमें भिगा देते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये भिगा दिया। अभी मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, नहीं तो दूध फट जाएगा। अब थोड़ी देर बाद में रख दूँगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव इंशू का यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? तो जैसे कि मैंने एक पहले वीडियो लेके आई थी कि कॉफ़ी पैक से कैसे पिगमेंटेशन डलना है और स्किन को ग्लो कैसे कर सकते हैं, उसी तरह से एक और रेमेडी लेके आई हूँ मैं, जो कि मसूर के दाल की है। मसूर के दाल की फ्रेंड्स, इसको मैंने रात को उसमें भिगो दिया था, कच्चे दूध में भिगो दिया था, और कच्चे दूध में भिगोने के बाद पूरी रात ये भीगा रहा है। तो भीगे होने के बाद अब मैंने इसको फ्रेंड्स, ये जो पैटर्न है ये बहुत ही फेस पे ग्लो करने वाला है। और ये देखिए, ये फ्रेंड्स मैंने इसको पीस लिया है और कच्चे दूध में, ये भी मैंने कुछ और मिक्स भी किया है, जितना पोर्शन भी मैंने भिगाया था उतना ही पोर्शन है। और ये है एलोवेरा जेल, जो फ्रेश है, जो मैंने अपने गार्डन में से निकाल के फ्रेश निकाला है। तो ये भी मैं एलोवेरा जेल को भी इसी में मिक्स करूंगी। थोड़ा सा इसको कैमरे को नीचे करो बेटा, हल्का सा दिखाओ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने इसको एलोवेरा जेल को भी इसी में मिक्स कर दिया है। अब इसको मैं प्रॉपर तरीके से इसको अच्छी तरह इसके से मिक्स करूंगी। फ्रेंड्स इसमें जितना दूध उतना ही डालना है जितना कि वो भीग सके, और एक्स्ट्रा नहीं डालना। मैंने आपको दिखाया था कि कितना डालना है इसमें, तो आप लोग एक्स्ट्रा मत डालिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपके घर में एलोवेरा जल लगा है तो फ्रेश निकाल के मिक्स कीजिए, फ्रेश की बात ही कुछ और है। वैसे तो उसका गार्नियर का एलोवेरा जल मिलता है, पतंजलि का मिलता है, लेकिन अगर आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश से बढ़िया कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दिया है एलोवेरा जल को। अब मैं इसको फेस में लगाऊंगी, उसको करो बेटा कैमरा हल्का सा ऊपर फेस पे के लिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये कैमरे को ऊपर कर दिया मेरी बिटिया ने। अब मैं इसको लगाऊंगी, क्योंकि नहीं तो ना बाल फ्रेंड्स आते हैं, मुंह पे आते हैं। ये देखिए मैंने इसको कर दिया है, और बिंदी भी उतार दूंगी मैं। आप बहुत अच्छी तरीके से फेस पे आपको ऐसे रब करना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है फेस के लिए। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि ये आंखों को नुकसान करेगा, लेकिन फिर भी आप आईज पे मत लगाइए। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये फेस में ग्लो लाने का भी काम करता है। तो इस तरह से, और कच्चा दूध तो आपको पता ही है, कच्चा दूध बहुत ही फायदा करता है। तो उस तरह से कच्चे दूध का भी इसमें मिक्स करना, और एलोवेरा जल भी वो कर लीजिए, वो भी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और फ्रेंड्स इसको लगा के ऐसे मसाज कीजिए, जिससे कि आपके फेस में प्रॉपरली अप्लाई हो जाए। आप चाहे तो अपने नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसको ऐसे रब करना है, मतलब हल्के हाथों से, ऐसा नहीं कि बहुत जोर से करना है, हल्का सा मसाज टाइप का करना है। ऐसा नहीं कि आपने अप्लाई करा और छोड़ दिया, हल्का सा मसाज करते हुए इसको अप्लाई करना है। और फ्रेंड्स इसको
थोड़ा सा अप्लाई करने के बाद इसको फिर थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जैसे कि जब छोड़ देंगे ना उसके बाद इसको नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर लेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये अब सूख गया है, आपको 10 मिनट से रखने की जरूरत है। ये सूख गया है काफी हद तक, जहाँ पे ये थोड़ा ज्यादा ज्यादा है वही नहीं सूखा, बाकी रेस्ट सूख गया है। मतलब बोलने में भी यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है। जब वो सूख जाता है ना तो आपको आइडिया लग जाता है कि वो सूख गया है, क्योंकि खिंचाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं अब इसको वॉश करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये मैंने फेस वॉश कर लिया है और मैं इसको टॉवल से धो के दिखाती हूँ आप लोगों को। आप लोगों का मुझे तो खुद डिफरेंस पता चल रहा है, फ्रेंड्स आप लोगों का भी पता चल रहा होगा तो पता नहीं, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि मतलब फेस जो है वो क्लियर दिख रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये होम रेडी रेमेडी है। घर में सबके पास मसूर की दाल तो होती है फ्रेंड्स, और जैसे आप दूध उबालने लग जाते हैं तो दूध उबालने से पहले उसको कच्चे दूध को निकाल लीजिए, वो तो बहुत ही आसान है। और सिर्फ ओवरनाइट सोक करना है, चाहे तो उसमें हल्की सी हल्दी भी डाल सकते हैं। मैंने एलोवेरा जेल लगाया था। एलोवेरा जेल अगर आपके घर में, आजकल मोस्टली हर के घर में होता ही है, तो उसको काट के फ्रेश जेल निकाल लीजिए और उसको बीच में डाल दीजिए, तो वो फ्रेश जेल है जो कि आपकी वैसे ही मतलब फेस को वो करता है, स्मूथ करता है और क्लैरिटी लाता है। अच्छा ही है एलोवेरा जेल, सॉफ्ट करता है आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को, तो वो नेचुरल है तो और भी अच्छा है, क्योंकि उसमें कोई चीज़ मिक्स नहीं है। तो इस तरह से आप भी फ्रेंड्स ट्राई कीजिए अपने फेस में। होम रेमेडी है, इसका कोई असर नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो फ्रेंड्स इसको ट्राई करके देखिएगा और फ्रेंड्स ट्राई करके बताइएगा कि कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।